इसको आप इस तरह से कवर निकाल लीजिए, फिर आपको ये केबल निकालनी है अंदर से। ये कोयल के दोनों वायर है, वायर निकालने हैं आपको। और ये कोयल निकल गई, आपको देखिए किस तरह से पुश करा और निकल गई है इजीली, ठीक है। और इस कोयल के अंदर जो ये चीज़ होती है इसको पिस्टन कहते हैं, और ये कोयल होती है, ठीक है। इस कोयल के अंदर ये इस तरह से ये पिस्टन बैठता है, ये वर्क करता है इस तरह से। ये डिफ्यूज निकाल दिया है, डिफ्यूज़र देखो इस तरह से डिफ्यूज़र निकलता है, और इसके अंदर का ये फूल। देखो और ये कवर है नीचे का, ये नीचे का प्लेट, नीचे की प्लेट, ये इसको पोटी कहते हैं। और इसको खोलने के लिए ये लॉक निकालना पड़ता है, इस तरह से लॉक निकलता है, और इसको फिर इस तरह से पकड़ के खींच लो तो निकल जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो ओरिंग निकलती है वो ओरिंग वापस आपको बिठानी पड़ेगी, देखिए दो में ओरिंग निकल गई, दो में ओरिंग लगी हुई है, तो ये इस तरह से ये दो ओरिंग निकली है और उस आपको संभाल के रखनी है, ठीक है। देखिए पेंडुलम खोलने के लिए 5 स्क्रू खोलने पड़ेंगे, ये पहला खुला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये पांचवा। ठीक है, ये इस तरह से निकल गया, और ये दो पेटलम देख सकते हो आप। और इस पेटलम को साफ कर लेना, और ये दोनों जो जहाँ पेटलम लगते हैं उसको भी साफ करना पड़ता है, हवा मार दीजिए या फूंक मार दीजिए, ठीक है, कोई कचरा इसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये पिस्टन का सपोर्ट है देख सकते हो आप, ठीक है। ये बॉडी है देखिए, देखिए ओरिंग इस तरह से बिठाते हैं, देखिए जो दो में निकल गई थी आपको इस तरह से वापस बिठा देनी है, ठीक है। और उनको इस तरह से आपको अंदर फिट कर देना है, देखिए ये लग गया। अब इसके इसका लॉक लगा दो ताकि ये निकले ना, ये देखिए बैठ गया अच्छी तरह से, अब ये नहीं निकलेगा, ठीक है। अब ये पिस्टन का सपोर्ट है, आपको इस तरह से भी लगाना है, और ये दो पेटलम है, ये दूसरा पेटलम इस तरह से लगेगा, ये देखिए दूसरा पेटलम लग रहा है। दोनों पेटलम के छेड़े जो होते हैं लास्ट के वो पिस्टन के सपोर्ट से टच होने चाहिए इस तरह से, ठीक है। टच हो रहे हैं दोनों पेटलम के लास्ट वाला हिस्सा, ऊपर का पेटलम का कवर इसको इस तरह से फिट कर देगा, ठीक
अभी इसको इसमें स्क्रू फिट करना है। देखिए पांच, इसमें पांच निकले थे, देखिए इस तरह से पांचों स्क्रू फिट करने हैं। देखिए स्प्रिंग यहाँ लगानी है, ठीक है। ये देखो यहाँ स्प्रिंग लग गई है, इसको सही तरीके से बिठानी है आपको। देखिए ये पेटलम जो है, ये पेटलम की डंडी है और इसमें जो ठेसी बनी हुई है इसके नीचे ये स्प्रिंग लगा के उसको नीचे इस तरह से पुश करोगे तो बैठ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी हम करके बता देते हैं। देखिए लगे ना तो मैं कहता हूँ, देखिए स्प्रिंग बैठ गई है दोनों साइड में, ठीक है। ये नीचे का देखिए कोयल, पहले कोयल बिठानी है आपको, ये इस तरह से आपको बिठानी है। देखिए ठीक है, इसके वायर लगाने, और इन वायरों को इससे अटैच करना है, माइक्रो स्विच में अटैच करना है। देखिए और माइक्रो स्विच को इस तरह से आपको बिठानी पड़ेगी, माइक्रो स्विच के अंदर दो होल दिए हुए हैं और दो ठेंसी उसमें दे रखी है। देखिए ये इजीली बैठ गई है, ठीक है। अब ये नीचे का कवर बिठाना है, बॉटम। देखिए ये बॉटम को इस तरह से दबा दीजिए, इसके बाद इसके बाद ये फूल है, इस फूल को बिठाया जाएगा, इस तरह से घुमा दीजिए और ये डिफ्यूज़र बिठा देना। ये आपका वाल रेडी हो गया है, कवर को इस तरह से अंदर आप इस तरह से बिठा दीजिए वाल को। देखिए ये वाल बैठ गया इस तरह से, बस ये आपका वाल रेडी हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कॉर्नवालिस का वाल है जो बन चुका है, पूरा पैक हो गया है, खोल के हमने फिट कर दिया है। इस तरह से आपको रिपेयर करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।